in-laws haul that too from Amazon? No, that too from Meesho guys, क्योंकि आप लोगों की भर भर के रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज रेडीमेड ब्लाउज हॉल करें, तो प्लीज मीशो वाला लाइए, मीशो बहुत अफोर्डेबल है। सो इस बार का ये हॉल मीशो की तरफ से है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक बार फिर से आपका इस नए हॉल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विंटर सीजन तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वेडिंग सीजन है ना, फिर से स्टार्ट हो गया। फरवरी मंथ में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, किसी के घर में शादी होती है, किसी को किसी की शादी में भी जाना होता है। सो आज का ये जो हॉल है रेडीमेड ब्लाउज हॉल है, एक तो ये रिक्वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैंने अमेजोन वाला किया था ब्लाउज हॉल, तो उसमें सब लोग यही बोले थे प्लीज आप मीशो का लेकर आइए, मीशो का लेकर आइए। तो मैं फिर मीशो का ही ब्लाउज हॉल लेकर आई। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी वो तो पूरी हो गई है इसके हॉल में। तो आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से ब्लाउज है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ पैरअप कर सकते हैं। लाइक आप इसे जीन्स के साथ भी पैरअप कर सकते हैं, लहंगे के साथ, स्कर्ट के साथ, साड़ी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे कंट्रास्ट वेस में ले सकते हैं, या फिर किसी के साथ इसको पैरअप कर सकते हैं। काफी ज्यादा क्यूट कलेक्शन मैंने इस बार मंगवाए हैं। बस गाइस जब मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाए थे, तब मैंने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था कि मैं एक ही कलर के सारे प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ। उस टाइम मेरे माइंड में ही नहीं था, क्योंकि ये सारे ब्लाउज मेरे विश लिस्ट में पड़े थे। सो मुझे बस ब्लैक कलर ही सूझा और मैंने ब्लैक कलर ही सारे मंगवा लिए। मतलब एक आई थिंक एक या दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यू नो कलर चेंज है, बाकी सारे आपको ब्लैक कलर के ही ब्लाउज मिलेंगे, लेकिन सब में कलर ऑप्शंस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के हॉल का प्राइस रेट जान लेते हैं कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जाने वाला है वो कितना है। तो जो मिनिमम है गाइस वो 111 रुपए से स्टार्ट है, एंड जो मैक्सिमम जाने वाला है आज के हॉल का सबसे महंगा जो है वो 362 रुपए के आसपास गया है। तो बहुत ही सस्ता भी है, मतलब अंडर 400 कह सकते हैं आज का हॉल जो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से जो आज का दिया गया है, वो है ये। एंड ये रही इसकी इमेज, स्टार्टिंग में ही आपको ब्लैक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला ब्लाउज मैं सेकेंड टाइम परचेस कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब अमेजोन का ब्लाउज हॉल किया था, उसमें भी मैंने एग्जैक्टली सेम यही प्रोडक्ट मंगवाया था, लेकिन उसका जो प्राइस था वो थोड़ा सा कॉस्टली गया था, अराउंड 250 के आसपास ही गया था। एंड ये वाला जो आप ब्लाउज देख रहे हैं, इसका जो प्राइस गया है 199 रुपीज है, जो कि सही है 200 के अंदर। एंड इसका जो मैंने साइज मंगवाया 38 मंगवाया है, एंड ये आर साइज में आपको मिल जाएगा गाइस। एंड इसमें आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ढेर सारे आपको कलर ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा है ना कि आप किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, मतलब किसी भी कलर की साड़ी के साथ इसको मैच कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ब्लैक मंगवाया था। गाइस ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब वेलवेट है, काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। इसका जो वेलवेट है वो काफी अच्छी क्वालिटी में यूज किया गया है, एंड इस तरीके से इलास्टिक बेस है, स्ट्रेचेबल में दिया गया है, तो ये मतलब 38 साइज की जो लेडीज होंगी उनको आराम से चला जाएगा। मतलब थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी होगा तो भी उनको फिट जाने वाला है। चले फिर इसे ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो चले फिर ट्राई। आप इसका फिट देख सकते हैं कुछ किस तरीके से जा रहा है। फिटिंग में ये मुझे एकदम से फिट गया है। स्लीव्स इसकी इस तरीके की मिल जा रही है, हाफ स्लीव्स है। नेक वगैरह आप देख सकते हैं इसका इस तरीके से दिया गया है। बैक की अगर बात करूं तो बैक में कुछ इस तरीके का नेक पैटर्न दिया गया है, जो कि छोटू सा है, आप इसे डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। फैब्रिक में तो सुपर्ब है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। इसकी जो लेंथ है ब्लाउज की आप देख सकते हैं यहाँ तक जा रही है, सो काफी अच्छी है। मैंने ट्राउजर के साथ इसे पैरअप किया है, सो आप इसे एज अ टॉप की तरीके भी वियर कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। मतलब ऊपर से स्क्रब वगैरह ले लो एंड दैट्स इट, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है, सुपर्ब है। सो इसके लिए मैं गिफ्ट ऑप्शन दूंगी। जो प्रोडक्ट है अगेन वो ब्लैक कलर का ही है, जो कि दिया गया है ये है इसकी इमेज। एंड गाइस इसका जो प्राइस दिया है वो 111 रुपए गया है, मतलब आज के हॉल का सबसे सस्ता है, लेकिन ये मुझे मतलब वेलवेट वाले से ज्यादा अच्छा लगा। कॉटन ब्लेंड फैब्रिक पर दिया गया है, एंड इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन एंड ब्लैक कलर। एंड इसमें आपको साइज मिलेगा 32, 30, 34, 38 एंड 36, मतलब 30 से लेके 38 साइज तक के लोग मंगवा सकते हैं, 38 से ऊपर इसका साइज अवेलेबल नहीं है। सो इसकी क्वालिटी गाइस काफी सुपर्ब दी गई है।
फैब्रिक 10/10 है, काफी अच्छा है। एंड इसके पूरे ब्लाउज में आप देख सकते हैं इस तरीके का थोड़ा थोड़ा सा मतलब बूटी टाइप का स्टाइल दिया गया है, काफी ज्यादा प्रिटी सा लग रहा है। फैब्रिक मुझे काफी अच्छा लगा, स्लीव्स इस तरीके की दी गई है, तो नेक पर इस तरीके की स्ट्रेचेबल इलास्टिक यूज की गई है एंड जो कि थोड़ा सा काफी अच्छा शेप दे रही है, पाइपिंग की तरीके यूज की गई है। सो गाइस ये क्वालिटी में तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा जाने वाला है, बॉडी पर किस तरीके का जाने वाला है। सो चलिए इसे भी ट्राई करके देखो। गाइस ये वाला जो ब्लाउज है ये इतना ज्यादा परफेक्ट फिट गया है मुझे, मतलब इतना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, काफी ज्यादा फिट है, कहीं से भी लूज नहीं। आप देख सकते हैं इसका जो नेक है, आप देखिए किस तरीके का दिया गया है, राउंड नेक है, काफी अच्छे से सेट है। स्लीव्स इसकी इतनी जा रही है 9 इंच के आसपास एंड इसका जो बैग दिया गया आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें बैग दिया गया, आई थिंक 8 इंच के आसपास इसका बैग दिया गया है। बैग भी काफी अच्छा सा है एंड इसे आप डेली वियर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसे ट्राउजर के साथ पहना हुआ है, आप इसे जीन्स के साथ भी पैरअप कर सकते हैं, एक टॉप की तरीके वर्क करेगा एंड काफी अच्छी फिटिंग में दिया गया है। मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ एंड इसके लिए तो गिव थम्स अप। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस एंड मुझे मतलब ओपन करने में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि मैंने सारे ब्लैक कलर मंगवा रखे हैं, पता नहीं क्या माइंड में मेरे था कि मैंने ब्लैक कलर मंगवाए हैं। तो चलिए ब्लैक बाद में ओपन करते हैं, पहले रेड कलर ओपन करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक हो जा रहा है। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है गाइस वो रेड कलर का है, काफी ज्यादा सुंदर सा है। जब ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, जब मैंने इसे ओपन किया था, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे नहीं न्यूली ब्राइड होती है उनके हिसाब से ये ब्लाउज एकदम से मतलब परफेक्ट है, क्या बताऊं एकदम से परफेक्ट है। तो ये दिया गया है रेड कलर का, साइड में आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है। सबसे पहले तो फैब्रिक की बात करूं, मतलब मैं इसकी डिटेल पहले आपको बताती हूँ। ये दिया गया है ट्रेंडिंग ब्राइडल वुमेन ब्लाउज रेड कलर का एंड इसमें आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका जो साइज है गाइस वो केवल 38 है, तो ये गाइस अल्टर आपको कराना पड़ेगा, 38 साइज तक के लोग इसको पहन सकते हैं। सो इसका जो प्राइस है गाइस, ओ सॉरी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको प्राइस सेट बताया था मिनिमम एंड मैक्सिमम वो मैंने गलत बता दिया, तो मैंने इसे कंसीडर ही नहीं किया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये मैक्सिमम जो है वो 421 रुपीज है, मतलब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब 421 रुपीज इसके हिसाब से देखा जाए गाइस अगर कंपेयर करूं तो एकदम से वर्थ इट है क्योंकि ये ब्लाउज काफी ज्यादा प्रिटी सा दिया गया है रेड कलर का। आप इसका वर्क देखें, किस तरीके का इसका वर्क दिया गया है रेड पर, इतना प्यारा सा वर्क दिया गया है। स्लीव्स आप इसकी देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लग रही है, इस तरीके से मतलब इसमें ब्राइडल लुक बनाया गया है, ये स्पेशली ब्राइडल के लिए काफी अच्छा जाने वाला है, वो लहंगे के साथ इसे वियर कर सकती है, किसी भी हैवी साड़ी के साथ वियर कर सकती है, काफी अच्छा जाएगा। गाइस इसका बैक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी से लग रहा है, मतलब ये ब्लाउज मुझे काफी अच्छा लगा, पैडेड ब्लाउज दिया गया है एंड अच्छी क्वालिटी में है, हुक्स वगैरह भी दी गई हैं। चलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ, मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा है, इतना प्यारा सा लग रहा है कि मैं इसे तुरंत फटाफट से ट्राई करूँ। ब्लाउज ट्राई करते करते मेरे सारे बाल ओपन होते चले जा रहे हैं क्योंकि मैं सारे ब्लाउज ऊपर से वियर कर रही हूँ, कोई भी ब्लाउज ओपन नहीं कर रही हूँ यहाँ से। सो इस ब्लाउज की बात करें गाइस तो ये ब्लाउज भी काफी ज्यादा प्रिटी सा है, लुक वगैरह इसका आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर सा ये भी लग रहा है, हैवी वर्क में दिया गया है, इस तरीके की स्लीव्स दी गई है, हल्का सा मुझे अल्टर कराना पड़ जाएगा क्योंकि ये मुझे वेस्ट के पास से लूज आ रहा है, चेस्ट के पास से एकदम से फिट है यहाँ से एंड स्लीव्स वगैरह आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। मैंने बी पहन रखी है तो वो आपको दिख रही होगी एंड इस तरीके से इसमें नेट पैटर्न में दिया गया है, बैक जो इसकी नेट फैब्रिक में यूज की गई है, तो आपको इसमें कोई भी बी वगैरह या ब्रा वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है, आप रिमूव करा सकते हैं या फिर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ब्रा यूज कर सकते हैं। इसके जिस हिसाब से इसमें वर्क दिया गया है गाइस काफी हैवी वर्क है लेकिन ये मुझे अंदर से कहीं चुभ नहीं रहा है, सबसे ठीक बात यही है क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज में तो आप ज्यादा टाइम तक वियर नहीं कर पाएंगे। सो ये कंफर्टेबल है ब्लाउज, काफी अच्छा दिया गया है, लुक में भी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं जो भी है सामने है, मुझे तो पसंद आया है, आप देख लेना अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगा है ये ब्लाउज। ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस जो दिया गया है अगेन ब्लैक कलर का दिया गया है एंड ये वाला ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा सुंदर सा लगा, ये दिया गया है स्टाइल वुमेन ब्लाउज, काफी ज्यादा इसमें कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जा रहे हैं एंड इसमें जो साइज है वो कम अवेलेबल है, 36 मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा, 34 साइज तक भी मिल जाएगा, बस इसमें 3 साइज ही अवेलेबल है, कलर ऑप्शंस तो आपको इसमें ढेर सारे मिल जाएगा
आ रहे हैं एंड इसका जो प्राइस है गाइस वो 362 रुपीज गया है। इसकी पिक्चर भी आप साइड में देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ये काफी ज्यादा सुंदर सा ब्लाउज है गाइस, इसका पैटर्न आप देख सकते हैं एंड ये काफी बड़ा सा लग रहा है। मैंने इसे 36 साइज पर मंगवाया है लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये 38 या 40 तक लोग पहन सकते हैं। देख सकते हैं कितना बिग है, तो वो तो पहनने के बाद समझ में आएगा। तो सबसे पहले गाइस इसका जो फैब्रिक है 10/10 है, काफी ज्यादा सुंदर सा है। जॉर्जेट फैब्रिक यूज किया गया है, ये जो आप टॉप पर जितना भी वर्क देख रहे हैं ये जॉर्जेट पर किया गया है एंड लाइनिंग भी काफी अच्छी यूज की गई है। पैडेड ब्लाउज दिया गया है एंड इसका जो पैटर्न है वाओ, मतलब इतना सुंदर सा वी नेक पैटर्न मिल जा रहा है, कुछ यूनिक है, प्रिंसेस वी नेक पैटर्न है। बैक पर कुछ इस तरीके का लुक दिया गया है, काफी ज्यादा क्यूट सा स्टाइलिश बैक इसकी दी गई गाइस। इसका जो वर्क है सीक्वेंस वर्क आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सुंदर सा लग रहा है। लाइनिंग लाइनिंग वाला वर्क दिया गया है, मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो मैं ना इसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि क्योंकि ये ब्लाउज सच में बहुत ज्यादा सुंदर सा है। आप इसे किसी भी प्लेन साड़ी के साथ इसको आप पेयरअप करते हैं काफी ज्यादा सुंदर सा लुक आएगा। किसी भी लहंगे के साथ, जीन्स के साथ तो ऑफकोर्स नहीं जाने वाला है क्योंकि ये ब्लाउज लुक में दिया गया टॉप नहीं है, तो आप इसे किसी भी लहंगे के साथ भी वियर कर सकते हैं। काफी ज्यादा सुंदर देखने में गाइस आपको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड ब्लाउज है। चलिए फिर इसे ट्राई करते हैं। लूज तो ऑफकोर्स मुझे जाने वाला है लेकिन मैं इसके लिए सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बोले ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो अभी इसे ट्राई करते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग वगैरह आपको बताते हैं कि कैसा जा रहा है क्या है। तो चलिए फिर इसे भी ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या ही बोलूं, ब्लाउज इतना ज्यादा सुंदर सा लग रहा है, इतना ज्यादा प्रिटी सी लग रहा है, इतना ज्यादा फिट है एंड जिस हिसाब से मैं बोल रही थी कि ब्लाउज काफी ज्यादा बड़े से लग रहे हैं, नहीं पहनने के बाद गाइस ये बिल्कुल भी बड़े से नहीं है। हल्का सा मुझे ब्लाउज टमी के पास से लूज जा रहा है, चेस्ट के पास से बिल्कुल फिट है आप देख सकते हैं एंड काफी ज्यादा सुंदर सा लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका नेक वगैरह, वाओ मतलब लुक, तो इसका वर्क इतना ज्यादा सुंदर सा लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर सा साइन कर रहा है इसका वर्क। आपको पास से मैं दिखा दे रही हूँ, नेक इस तरीके का वी नेक है, हल्का सा डीप है, ज्यादा नहीं लेकिन इतना ज्यादा ऐसा डीप नहीं है कि आप कंफर्टेबल ना हो। काफी अच्छी क्वालिटी में दिया गया है, पैडेड भी अपनी जगह सेट है एंड ये जो लुक दिया गया है ना, ये इस तरीके से कट वाला चोली वाला जो बोलते हैं, काफी अच्छा है। जब ये फिटिंग हो जाएगी तो एकदम से आपका ये फिट जो है वो काफी अच्छी फिटिंग में आएगा, काफी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस इसका जो बैक है, ओ माय गॉड, मतलब इतना ज्यादा सुंदर सा लग रहा है। बैक में इस तरीके का बो दिया गया है, ये स्ट्रैप्स वाला है एंड ये हुक्स वगैरह ओपन हो जाती है, यहाँ की भी हुक्स ओपन हो जाएंगी, यहाँ की भी हुक ओपन हो जाएंगी एंड ये रहा इसका लुक, मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड या मैं मिरर में भी देख रही हूँ तो मुझे काफी सुंदर सा लग रहा है। तो इसके लिए गिफ्ट थम्स अप। नेक्स्ट आर्टिकल जो दिया गया है गाइस अगेन ब्लैक कलर का ही है, मैं बार बार ब्लैक कलर बोल के थक गई हूँ एंड ये भी ब्लाउज काफी ज्यादा सुंदर सा दिया गया है, वो है ये, साइड में आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। सो ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी वर्क में ब्लाउज दिया गया है, काफी ज्यादा सुंदर सा लग रहा है एंड इसमें भी आपको ढेर सारी कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैंने इसका साइज मंगवाया है 38 एंड इसका जो प्राइस दिया है 285 रुपीज है, मतलब वर्थ इट है 285 रुपीज। पहले आप देख सकते हैं इसका जो वर्क है काफी ज्यादा प्रिटी सा इसका भी लग रहा है, ब्लैक में सिल्वर कलर का वर्क दिया गया है, बहुत ज्यादा सुंदर सा लग रहा है एंड जो वर्क है गाइस वो काफी अच्छी मतलब फिनिशिंग के साथ वर्क दिया गया है इसका एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा है ये भी, लेकिन ये काफी बड़ा लग रहा है। तो ये पैडेड ब्लाउज है, इसमें भी पैड मिल जा रहे हैं एंड काफी सॉफ्ट क्वालिटी में यूज किए गए हैं एंड बैक इसका थोड़ा सा डीप दिया गया है, इस तरीके का बैक है और इसमें भी टैसल वगैरह यूज किए गए हैं। तो चलिए फिर इसे ट्राई करते हैं, लूज तो ऑफकोर्स जाने वाला है लेकिन पहनने पर लुक कैसे जाने वाला है वो तो ट्राई करने पर पता चलेगा। तो चलिए फिर इसे भी ट्राई। गाइस आप इसका लुक देख सकते हैं, मतलब ये वाला ब्लाउज काफी ज्यादा मुझे सुंदर सा लग रहा है। सबसे पहले तो आप इसका पैटर्न देख ले किस तरीके का लग रहा है। ये फिटिंग में मुझे थोड़ा सा लूज गया है टमी के पास से, चेस्ट से तो मतलब फिट है, चेस्ट के पास से इतना लूज नहीं लग रहा है लेकिन ये टमी के पास से हल्का सा मुझे ऐसे ही लूज गया है, मुझे अल्टर कराने की जरूरत है। लेकिन गाइस ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, इसका आप नेक देख सकते हैं, स्लीव्स देख सकते हैं किस तरीके की जा रही है, स्लीव्स का लुक देख सकते हैं,
बहुत ज्यादा प्रिटी सा लग रहा है, कलर काफी अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब इतना ज्यादा सुंदर सा ये ब्लाउज लग रहा है। इसकी आप बैक देख सकते हैं किस तरीके की दी गई है, इस तरीके से इसमें नेक मिल जा रहा है, राउंड नेक है, टैसल वगैरह यूज किए गए हैं एंड जो बैक नेक है वो इतना ज्यादा डीप नहीं लग रहा है, तो कहीं पर भी सिक्वेंस जो है, जो सितारे हैं वो अंदर बॉडी में आपके लगेंगे नहीं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसके पैड वगैरह भी अच्छी क्वालिटी में यूज किए गए, सो सुपर दिया गया है ये ब्लाउज, मुझे काफी अच्छा लगा एंड गाइस मैं इसके लिए हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि सच में ये ब्लाउज काफी ज्यादा सुंदर सा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस, जो दिया गया है वो है गोल्डन कलर का, इस बार ब्लैक कलर का नहीं है। तो गाइस ये मुझे आई थिंक मैंने व्हाइट कलर का मंगवाया था, मुझे गोल्डन रिसीव हुआ है, तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है तो मैं चेक कर लूंगी, लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, इसका वर्क है थोड़ा सा ओल्ड वाला लग रहा है। तो ये दिया गया है राउंड नेक पर व्हाइट ब्लाउज, देखिए व्हाइट ब्लाउज मतलब मैंने डिटेल यूज की है तो मैंने एग्जैक्टली व्हाइट ही मंगवाया था लेकिन मुझे गोल्डन रिसीव हुआ है। तो इसका जो प्राइस गया है गाइस वो 292 रुपए गया है, इसे मैंने 38 साइज पर मंगवाया है, मतलब ये भी 38 साइज तक ऑर्डर करा सकते हैं एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन तो ढेर सारे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज दिया गया है, तो मुझे तो इसे दिखाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा गया है, मतलब इसका नेक देख सकते हैं किस तरीके से फैला फैला जा रहा है, मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सेट ही नहीं होने वाला है, ऐसे करके गिर जाएगा, और बैग भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फैला फैला सा लग रहा है, तो पता नहीं ये कितना ज्यादा फिट जाने वाला है या क्या जाने वाला है, कुछ आइडिया नहीं है, क्या बोलूं मैं इसके बारे में मुझे नहीं पसंद आया ये ब्लाउज, सो इसके लिए तो मैं डिसलाइक दूंगी, लेकिन ट्राई तो करना बनता है क्योंकि आपको भी दिखाना पड़ेगा ना कि ये कैसा लग रहा है, आप कहीं गलती से परचेस ना कर लो। तो चलिए फिर इसे ट्राई करते हैं गाइस। जैसा कि मैंने सोचा था, जो मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड लग रहा है, एग्जैक्टली ये वैसे ही जा रहा है, मतलब इसका आप देख सकते हैं नेक इस तरीके से गिर जा रहा है, कोई भी मतलब नहीं है, पता नहीं किस हिसाब से ये ब्लाउज बनाया गया है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इसके स्लीव्स आप देख सकते हैं, लुक जो है इस तरीके से फोल्ड करने में हैंड लुक जा रहा है, आप देखिए मतलब क्या है, कुछ भी इसका फिट नहीं जा रहा है, काफी ज्यादा चुभ रहा है, देख सकते हैं मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बैकलेस ब्लाउज है, जबकि इतनी ज्यादा चौड़ी बंदी दी गई है, उसके बावजूद भी आप इसका बैक देखें सब ये गिरा जा रहा है, कहीं से भी फिट नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड दिया गया है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लूज झोला कहीं से पहन रखा है, तो क्या है इस ब्लाउज में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस मैं इसे ज्यादा देर तक पहन के नहीं रख सकती हूँ और इसके बारे में भी नहीं बता सकती हूँ बिकॉज इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, सो इसके लिए डिसलाइक। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के हॉल का जो ब्लाउज है वो अगेन ब्लैक कलर का दिया गया है एंड थैंक गॉड अब बंद। ये है काफी ज्यादा सुंदर सा ब्लाउज है, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था एंड ये जो ब्लाउज दिया गया है वो ब्लैक कलर का अर्टिलेवर फुल स्टिच ब्यूटीफुल पार्टी वियर एंड वेडिंग वियर ब्लाउज है एंड इसका भी जो साइज है वो 38 अल्टर वाला है। प्राइस इसका दिया है 329 रुपीज, जो कि वर्थ इट है, सिल्क फैब्रिक पर दिया गया है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस ढेर सारे मिल जा रहे हैं, सो मतलब आज के हॉल में जितने भी ब्लाउज है गाइस उसमें आपको कलर ऑप्शंस सब में मिल जा रहे हैं, मतलब आप मंगवा सकते। तो ये वाला जो ब्लाउज है गाइस वो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर सा लगा है, सबसे पहले इसका जो फैब्रिक है 10/10 है क्योंकि फैब्रिक बहुत ज्यादा सुंदर दिया गया है, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है, राउंड नेक है, स्लीव्स देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्रिटी सी लग रही है, मतलब ब्लैक के साथ गोल्डन वर्क रेड वर्क काफी ज्यादा सुंदर सा लगता है, आप इसे किसी भी हैवी स्कर्ट के साथ पहनेंगे बहुत ज्यादा सुंदर जाने वाला है, ये साड़ी के साथ वियर करें एंड गाइस इसका बैक आप देखिए सबसे पहले, वाओ मतलब जिस तरीके से आपको रेड वाला मैंने दिखाया था ना ब्लाउज, ये वाला वेट तो जैसे मैंने ये वाला आपको दिखाया था ना ब्लाउज एग्जैक्टली थोड़ा सा मतलब इसी तरीके का लुक तो इसी तरीके से दिया गया है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें आप देख सकते हैं बैक इस तरीके की दी गई है, इसमें हाथी घोड़े वगैरह बने हैं, काफी ज्यादा हैवी लग रहा है बैक से, लेकिन ये काफी ज्यादा सुंदर है गाइस, इसे न्यूली ब्राइड वगैरह इसे पहनेंगी तो बहुत ज्यादा सुंदर सा लगेगा। चलिए फिर इसे भी मैं ट्राई करती हूँ एंड देखती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मतलब
कैसा जाएगा। चलिए फिर गाइस, ये वाला भी ब्लाउज काफी ज्यादा सुंदर सा लग रहा है पहनने में। ये भी मुझे टमी के पास से लूज गया है। स्लीव्स इसकी काफी ज्यादा सुंदर सी लग रही हैं, इस तरीके की स्लीव्स वर्क इसका काफी यूनिक दिया गया है, लेकिन ये पहनने में हल्का सा हार्ड लग रहा है। मतलब इस तरीके से बहुत टाइट टाइट सा लग रहा है, जबकि लूज है, लेकिन कपड़ा जो यूज किया गया है वो काफी टाइट है। नेक वगैरह काफी सुंदर सा लग रहा है, इस तरीके से बॉर्डर मिल जा रही है। इस ब्लाउज में जो सबसे ज्यादा खास है वो इसकी बैक है। आप इसकी बैक देख सकते हैं, किस तरीके की बैक जा रही है, काफी ज्यादा सुंदर से इसकी बैक लग रही है। बैक का जो वर्क है, फिट है, वो मतलब काफी सुंदर सा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। मतलब मैं ओके भी नहीं कहूंगी, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगी, ठीक है, एवरेज पर रख सकते हैं इसे। सो दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म होता है। बस मेरे पास इतने ही प्रोडक्ट थे दिखाने के लिए, एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं बहुत ज्यादा प्रिटी से हैं। मैंने एक प्रोडक्ट के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, जो कि ये है, पिक्चर मैं साइड में लगा दे रही हूँ। सो ये प्रोडक्ट मुझे जचा नहीं है, बाकी आप देख लेना, इसकी भी लिंक तो आपको मिल ही जाएगी। एंड गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। एंड या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग my video guys, and don't forget to subscribe my channel. So see you soon again in the next one. So bye bye, love you, take care.